हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह एंड आज मैं आपके सामने फिर एक नया केस लेके आई हूं जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है विद द नेम जॉन फ्रैंकलिन शायला वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय एंड अनदर। जब भी क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब हम कोर लॉज की बात करते हैं, इससे रिलेटेड अगर भी कोई केस लॉ आता है तो इन दैट केस वो केस लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड जब किसी भी ऐसे केस लॉ में कुछ ऐसा डिसीजन दिया जाए जो पिछले केसेस को ओवर रूल करे या अपहेल्ड करे, इन दैट केस ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाते हैं। प्लस अगर किसी लीगल प्रिंसिपल को चेंज करते हुए कोई कोर्ट अपना कोई सजेशन देता है, इन दैट केस वो अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमको इस केस में देखने को मिला जिसमें हम जानते हैं कि माइनर अगर है तो माइनर 18 साल से कम का होता है हमारी नॉलेज में। हमारे हिसाब से 18 साल से कम का जो भी है उसके पास इतना कॉमन नॉलेज नहीं होता है, समझ नहीं पाता चीज़ों को, वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के मैन के हिसाब से नहीं सोच सकता है। ऑन दैट बेसिस इस केस में कोर्ट ने कहा 16 साल की जो लड़की है वो सेक्शुअल इंटरकोर्स पे डिसीजन लेने के लिए केपेबल है, और इसके चलते कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया जिसपे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट 15th ऑफ जून से क्लैट पीजी एंड बाकी LLM एग्जाम्स के लिए हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मेरी क्लास होती है एट 6:30 PM। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है देन यू कैन यूज माई कोड MSingh10 फॉर टू अवेल द डिस्काउंट। फटाफट से एनरोल कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये रेफरल कोड यूज करके, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है क्लैट पीजी, एलेट पीजी वगैरह में, तो आपको अब वेट ज़्यादा नहीं करना है। फटाफट से एनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। ऑल्सो अगर आपको अभी तक फीस ज़्यादा लग रही थी या कुछ भी था, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 25% ऑफ ऑल क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप 6 मंथ्स का ले रहे थे या 12 मंथ्स का या 18 मंथ्स का, जो भी ले रहे थे, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है 25% का टिल 30th June। 30th June से पहले फटाफट एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप इस डिस्काउंट को अवेल कर पाए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर 2nd of July को एट 2 PM हमारा होने जा रहा है क्लैट पीजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट। ठीक है, ये स्कॉलरशिप, ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपको 90% तक की स्कॉलरशिप दिला सकता है अगर आप टॉप रैंक में आते हैं। तो ये QR कोड स्कैन करिए, यू विल गेट द लिंक फॉर द टेस्ट एंड इस टेस्ट में जरूर अपीयर होइए, क्योंकि अपीयर होने के लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, दिस इज फॉर फ्री। तो यहाँ पर अगर आप अपीयर होते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस असेस कर पाएंगे एंड हो सकता है आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाए जिसके बाद आप एडमिशन ले सकें। मूविंग फर्दर, अगर आप हमारा ये क्लैट प्लस प्रोग्राम का बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके पास लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज डिस्कस करी जाएंगी, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इन क्लास PDF आपको मिलेगी, जो भी एजुकेटेड क्लास में डिस्कस करेगा उसकी PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस। प्लस यहाँ पर जो मैं अभी केस लॉ की सीरीज चला रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर अगर आप उसके नोट्स चाहते हैं, वो भी आपको अगर फ्री में नोट्स चाहिए, तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, आप वहाँ पर सीधे आपको पहुँचा दिया जाएगा उस पोर्टल पे जहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड। प्लस अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द LLM रिलेटेड अपडेट्स। ऑल्सो आप, ये तो बात हो गई बैच की, अगर आप मेरी स्पेशल फ्री लाइव क्लास करना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रायल लेना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो यू विल बी लिंक्ड अप टू द स्पेशल लाइव फ्री क्लास एंड देन वहां पर आप हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 8:30 बजे मेरी फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैं सारे टॉपिक से डील कर रही हूँ। वहाँ पर अभी तक अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन करी है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्लस इन एडिशन आपको फर्दर आप हमारे साथ अब से जुड़ जाएंगे तो यू विल गेट द लाइव लेक्चर। तो आज हम बात करते हैं फर्दर आगे बढ़ के कि हाँ, इस मेन ये जो केस मैंने जिसका नाम लिया, जिस पे मैं कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स की जब हम बात करते हैं या केस लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले आपके लिए क्या जानना जरूरी है, फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस के लिए। हर केस के लिए हर फैक्ट इम्पॉर्टेंट एक सेम नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से जजमेंट्स भी डिफर कर जाते हैं। कोर्ट हमेशा आंख बंद करके बिना फैक्ट्स को ध्यान दिए वो कभी जजमेंट नहीं दे सकती है। कोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड को समझना,
फैक्ट्स को समझना एंड देन उसके बेसिस पर डिसीजन देना। यहाँ पर जो पेटिशनर है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली पेटिशनर इज द बॉय, ठीक है, जो दूसरी पार्टी है। सो ही वॉज वर्किंग एट द वेरियस हाउस होल्ड, ठीक, वो जगह जगह काम करता था, इंक्लूडिंग ये जो दूसरी पार्टी है यहाँ पर। सो इन द प्रोसेस ही केम टू बी एक्वेंटेड विद द एलिस्ट विक्टिम हु इज अ माइनर गर्ल। डायरेक्टली इसके घर पे काम नहीं करता था, इसके जानने वाले के किसी के घर पे काम करता था। तो इस दौरान क्या होता है, वो इस लड़की, यहाँ पे क्या मेंशन है, माइनर गर्ल, ठीक है, वो इस लड़की के जान पहचान में आता है। एंड इन द कोर्स ऑफ ये जान पहचान, ये जो दोनों हैं ये बहुत इंटीमेट हो जाते हैं। एंड ये दोनों यंग कपल थे बिकॉज, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये लव की फीलिंग स्टार्ट डेवलप होने लग जाती है इन दोनों के बीच में। एंड एज अ रिजल्ट रिलेशनशिप इनके बीच में एक बन जाता है, ठीक है। सो अगेन द सेड रिलेशनशिप यहाँ पे कौन सा है, हम अगर जिस रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, जो हम नॉर्मली कोट करते हैं एक दूसरे को, दो लोग जब रिलेशन में होते हैं तो उनको समझने के लिए। नाउ अब एक दिन क्या होता है, दिस इज द बेसिकली एक बैकग्राउंड टाइप का कि दोनों एक दूसरे को जान कैसे रहे थे। अब होता क्या है, यहाँ पर कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन लड़की जो थी, विक्टिम गर्ल जो थी, वो शॉपिंग पे जाती है अपनी कजन सिस्टर के साथ, जहाँ पर वो पेटिशनर से मिलती है, यानी उस लड़के से मिलती है, ठीक है, जो हाउस होल्ड के काम करता था। एंड टू ऑफ देम फिर ये लोग चले जाते हैं कहाँ पे, उसके घर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स वगैरह से इस लड़की को मिलवाता है, ठीक। अब पेरेंट्स से मिलवाया, उसके बाद वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद क्या करते हैं ये लोग, ये लड़की जो है पेटिशनर के साथ अपने उसके लड़के के घर को छोड़ के चली जाती है उसके अंकल के यहाँ, ठीक है, उसके अंकल के यहाँ चली जाती है। एंड क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट टुगेदर, ठीक है। फर्दर पेटिशनर और एलेज विक्टिम जो था, दे स्लेप्ट टुगेदर ऑन द सेम बेड एंड देन दे हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन करने वाली चीज, जो पूरा आपका बेस है इस केस का, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर क्या हमने बात करी कि साथ में गई है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बट वो साथ में गई है। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग पेटिशनर जो है वो अकंपनी करता है एलिज विक्टिम को टू हर हाउस, वो लेके गया उसको घर। मतलब यहाँ पर अगर फैक्ट्स को समझें तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती लड़की के साथ कुछ किया, या वो अगर कुछ ऐसा होता तो फिर वो लड़की को घर तक छोड़ने नहीं जाता, ठीक। यहाँ पर अभी तक सारी चीजें बहुत ही सॉर्टेड वे में दिख रही हैं। पेटिशनर उसको घर लेके गया, हाउएवर जो मदर थी जो एलिज विक्टिम की, अब उन्होंने FIR फाइल कर दी, ठीक है, क्योंकि लड़की तो गायब हो गई थी। तो यहाँ पर आपका बात हो जाती है, क्योंकि अभी क्या हुआ वो सारी बातें तो बाद में डिस्कस हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह वाली, बट यहाँ पर उनकी माँ ने किडनैपिंग का केस समझ के 363 के अंडर जो है FIR ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी। एंड यहाँ पर सेक्शन 3 और 4 फिर वो पॉक्सो एक्ट का लगाती हैं, जिसमें बात होती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, ठीक है। नाउ IO जो थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्होंने चार्जशीट वगैरह फाइल कर दी एंड इनको ये पता चला कि प्राइम ऑफ SI केस तो बन रहा है। इनको लगा कि हाँ भाई, ऊपर ऊपर से केस तो हमें दिख रहा है बनता हुआ पेटिशनर के अगेंस्ट, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि माइनर की बात थी तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉक्सो एक्ट की बात लग रही थी, पॉक्सो में ये आ जाता है आपका। तो यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया ट्रायल के लिए बिफोर द कोर्ट ऑफ लर्नेड स्पेशल जज पॉक्सो, पॉक्सो भेज दिया, ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मल जो हमारी कोर्ट होती है, जो मेजर के लिए जहाँ पे ट्रायल होता है, वहां पर माइनर का ट्रायल नहीं हो सकता, एंड फॉर दैट सेक वहाँ पे स्पेशल जज पॉक्सो को भेज दिया गया। अब इस बात पर क्या होता है, पेटिशनर तो चुप नहीं बैठेगा, पेटिशनर को लगा ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो पेटिशनर क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे चला गया, उसने कहा भाई तुम लोग छोटे मोटे कोर्ट में बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसने यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दी अंडर सेक्शन 482 CRPC। नाउ व्हाट इज 482 CRPC, 482 CRPC आपकी एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें काफ़ी तरीके की जो कोर्ट है, कोर्ट जो है वो काफ़ी तरीके की अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, जिसमें वन ऑफ द पावर इंक्लूडेड इज क्वैशिंग ऑफ FIR, ठीक है। FIR को क्वैश करने की पावर भी 482 CRPC में लागू करती है, ठीक, इसमें आ जाती है ये पावर भी। तो उसी के चलते उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया 482 CRPC को लगाते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ही प्रेयर्ड कि भाई आप सेटिसाइड करें इसको एंड क्वैश करें एंटायर प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, जो भी स्पेशल जज के सामने प्रोसीडिंग्स लगाई गई हैं जिन पे ट्रायल होने वाला है, आप इसको क्वैश करिए। क्यों, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या था, आर्ग्यूमेंट ये था कि सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट इज समथिंग जो फोर्सफुली किया जा रहा है, यहाँ पर फोर्सफुली तो कुछ किया ही नहीं गया है। क्यों, क्योंकि जो विक्टिम थी उसने अपने स्टेटमेंट में
जो 164 का जो बयान होता है, जो रिकॉर्ड होता है सीआरपीसी में, जिसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, उसमें उस लड़की ने खुद ये कबूल किया है। इनफैक्ट अपने डिपोजिशन में भी कोर्ट के सामने क्लियरली स्टेट किया है कि वो गर्लफ्रेंड है पेटिशनर की एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब ये हुआ है, जब ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त शी वॉज द गर्लफ्रेंड ऑफ दैट पिटिशनर एंड दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। शी हर सेल्फ एक्सेप्टेड दिस इन हर स्टेटमेंट, ठीक, बट द सेम वॉज विद हर कंसेंट। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वो भी उसकी कंसेंट से हुआ है, एंड देयर वॉज नो फोर्स इन्वॉल्व इन इट। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी तरह का फोर्स इन्वॉल्व नहीं था। और जब लड़की ने ये चीज एक्सेप्ट करी है तो पेटिशनर का कहना है तो आप हमारे ऊपर चार्जेस कैसे लगा सकते हैं, सिंस देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी एविडेंस नहीं दिख रहा है, तो थ्री लगने की तो बात है ही नहीं, सेक्शन 3 और 4 पॉक्सो है ना। तो पेटिशनर ने प्रेयर करा कोर्ट के सामने फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम टू बी सेट असाइड इन क्वैश। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी हुआ हम दोनों के बीच में हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वी आर एक्सेप्टिंग दैट, बट फोर्सफुली नहीं था, इट वॉज विद द कंसेंट ऑफ दैट गर्ल। तो अब यहाँ पे बात कहाँ अटक जाती है, बात मेनली अगर देखा जाए तो अटक जाती है उस लड़की की एज पर, उस लड़की की 16 ईयर्स ऑफ एज पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम मानते हैं कि भाई 16 ईयर्स का बच्चा है समझदार, ठीक है, उसको समझ है, तो समझ अगर है तो इन दैट केस तो ये केस बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रही है मैंने कंसेंट दिया था। बट अगर हम कहेंगे कि 16 ईयर्स जो है दैट वो समझदार मेच्योर इनफ, उस टाइम पे बच्चा इतना नहीं होता है, 18 ईयर से कम में अगर कुछ भी होगा तो हम नहीं मानेंगे कि वहां पर मेंटली या फिजिकली डेवलप था। लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो इन दैट केस तो क्या होगा, फिर तो भाई बहुत सारे चार्जेस और भी लग सकते हैं। ठीक, तो इन दैट केस कोर्ट ने ओपिनियन दिया यहाँ पर। अब कोर्ट का यहाँ पे कुछ डिफरेंट ओपिनियन आता है, ठीक, कि इन केसेस इन्वॉल्विंग टू यंग पीपल, यहाँ पे दो यंग लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर हम उनको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम से कह रहे हैं, या फिर अगर वो शादी करने वाले हैं, ठीक है, कर चुके हैं, जो भी है, यंग है वो। फैक्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि एंड्स ऑफ जस्टिस इज मेट, यहाँ पर न्याय होना जरूरी है। हमारे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारे लिए ये नहीं फर्क पड़ता वो शादीशुदा है हस्बैंड वाइफ है। हमारे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि दे आर यंग पीपल और उनके बीच में अगर कोई भी मुद्दा है यहाँ पर, तो यहाँ पे एंड्स ऑफ जस्टिस मीट आउट करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड दैट द सेड प्रिंसिपल बी अप्लाइड कंसिडरेबली इन सर्टेन रेलिवेंट केसेस। एंड जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो कुछ भी बातें कही गई हैं रिलेटेड टू दीज थिंग्स, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में अप्लाई होना जरूरी है। एंड इसी के चलते कोर्ट ने यहाँ पर रेफर किया, मेघालय हाईकोर्ट ने एक मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग को भी रेफर किया, और वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही था, क्योंकि बहुत पुराना जजमेंट भी नहीं था, अभी ये है 2023 की बात, और ये जो जजमेंट इन्होंने रेफर किया वो 2021 का था। क्या नाम था केस का? विजय लक्ष्मी एंड अनदर वर्सेस स्टेट रिस्पॉन्डेंट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन। कोर्ट ने इसमें कंक्लूड क्या किया था, कंसिडरिंग द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सर्वाइवर्स एज ग्रुप, इट इज रीजनेबल टू प्रिज्यूम दैट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। ऑलरेडी मद्रास हाईकोर्ट ये ओपिनियन दे चुकी है कि अगर फिजिकली एंड मेंटली बंदा इंडिविजुअल डेवलप है, क्योंकि हम सिर्फ एज फैक्टर पर नहीं जा सकते, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल का सोचने का तरीका, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि 16 साल का हर एक बच्चा एक जैसा दिखता है या हर एक जैसा सोचता है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो रिगार्डिंग दिस कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू असेस कि क्या फिजिकल एंड फिजिकली एंड मेंटली डेवलप है वो बच्चा। अगर वो फिजिकली एंड मेंटली डेवलप है और वो केपेबल है, ठीक है, क्या करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड डिसीजंस को समझने के लिए, लेने के लिए डिसीजंस को, इन दैट केस इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। अगर वो मेंटली फिजिकली डेवलप है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ पा रहे हैं कि उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो हम ऐसा मानेंगे, रीजनेबल है, इट इज़ रीजनेबल टू प्रिज्यूम कि वो केपेबल है डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड इसी के बेसिस पर कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अगर हम पॉक्सो एक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, पॉक्सो एक्ट किसी वजह से बनाया गया है ना, वैसे तो क्या था, सारे एक्ट्स हमारे आईपीसी से चल रहे थे, सारे एक्ट्स बोल रही हूँ, सारे ऑफेंसेस हमारे आईपीसी से तो लीड हो ही रहे थे, पॉक्सो बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आईपीसी इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है, पॉक्सो इज़ फॉर ओनली चिल्ड्रेन, पॉक्सो सिर्फ बच्चों के लिए है, माइनर के लिए है।
तो हमें जरूरत थी अलग से बनाने की, हमें जरूरत थी अलग से एक नया कानून बनाने की जो सिर्फ उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे फोकस करेगा। जब हम स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है। हम अलग से जब बनाते हैं कोर्ट तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्पेसिफिकली वही केसेस आते हैं, तो उससे क्या है कि जो जजेस हैं उनका माइंड भी बहुत ही फोकस्ड रहता है कि हमको सिर्फ यही समझना है, यही देखना है। क्योंकि इफ़ यू गो टू सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक नेचर के केसेस नहीं आते हैं। एक वक्त आपके पास जो है वो रेप का केस आया, तो एक वक्त आपके पास थेफ्ट का केस आ गया, एक बार रॉबरी का आ गया, बैक टू बैक अलग अलग केसेस हमको देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे सिविल में आप चले जाओ तो कभी कोई केस आ रहा है ज़मीन का केस आ रहा है, कभी कोई सर्विस का केस आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत फोकस डेवलप कर पाना मुश्किल हो जाता है, जजेस के लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर दैट से इनको बनाने का मोटिव क्या होता है कि जल्दी ट्रायल होगा, सब में घुल मिल के काम नहीं चलेगा। एक तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी नेचर के ऑफेंसेस का ट्रायल होगा तो जल्दी होगा, चीज़ों को और प्रॉपर किया जा सकेगा ध्यान देते हुए। एंड जस्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। फैमिली कोर्ट के लिए हमने फैमिली सेटलमेंट्स, मैरिज सेटलमेंट्स के लिए हमने फैमिली कोर्ट बनाई है क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, किसी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है इससे। इन द सेम वे बच्चे हैं, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो ऑफेंस कर रहा है अगर वो बच्चा है तो भी उसकी ज़िंदगी पड़ी है, आप समझ सकते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा। और जिसके साथ ऑफेंस हुआ है अगर वो बच्चा है तो फिर उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये हर तरीके की चीज़ों को समझने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो यहाँ पर कहा कोर्ट ने कि जब हम ऑब्जेक्ट या रीज़न पढ़ते हैं पॉक्सो एक्ट का, तो ये कहता है कि इस एक्ट को लाया गया था फोर्स में टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? ऑफेंसेस से। कौन कौन से ऑफेंसेस? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आज की डेट में हम इंटरनेट के आने के बाद से भी देख रहे हैं कि ये ऑफेंसेस बढ़ते हैं और कई फॉर्म में हो रहे हैं जो बच्चों को शायद कभी पता भी नहीं चलता होगा। ठीक है, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते होंगे, तो इन सबको भी इस कैटेगरी में रखा गया। एंड विच वॉज पर्सुएंट टू आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट जो है वो प्रोविजंस बना सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के वेलफेयर में ध्यान में रखते हुए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया था। एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, आपका ये जो कन्वेंशन है इसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा एक्ट बनाया गया। इस पर अमेंडमेंट भी हुए, काफ़ी अमेंडमेंट के बाद इसमें कई सारे आपके नए डेफिनेशंस भी इंक्लूड किए गए, कई नए टर्म्स लाए गए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम पॉक्सो एक्ट में देखें तो बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं, बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हमको देखने को मिल रहा है, कोर्ट का कहना है कि वो कंप्लेंट्स पर हो रहे हैं जिनको फैमिलीज रजिस्टर कर रही हैं। कौन सी फैमिली? एडोलेसेंट एंड टीनेजर्स की जो इन्वॉल्व है रोमांटिक रिलेशनशिप में। बेसिकली पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई एडोलेसेंट एज है, टीनेजर्स हैं, अगर टू पीपल आर इन्वॉल्व जो टीनेजर्स हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि भाई बहलाया फुसलाया है मेरे बच्चे को। ठीक है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, इफ़ दे आर फिजिकली रिलेटेड, फिजिकली अगर वो कनेक्टेड हैं, तो इन दैट केस भी क्या है, पेरेंट्स को गलत चीज़ें ही लग रही हैं। ठीक, तो वो इन एनी वे दे आर फाइलिंग द केसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो कोर्ट कह रही है हमारा ऑब्जेक्टिव तो कभी ये था ही नहीं। कोर्ट का कहना है स्कीम जो हमारा एक्ट का है वो क्लियरली शो कर रहा है कि भाई उसका इंटेंशन ही नहीं था अपने स्कोप या एम्बिट में इन केसेस को रखना विच आर रिलेटेड विद एडोलेसेंट और टीनेजर्स जो रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पे तो वो बात हो गई कि जो लोग अपनी मर्जी से एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अब क्या कोर्ट उनके मुद्दे को भी सॉल्व करेगा? हाँ, दो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, अब वहाँ किसी तरीके का अब्यूज होता है, वहाँ कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो कोर्ट रोल में आएगी, डेफिनेटली आएगी कोर्ट। बट द थिंग इज कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर वो दोनों लोग खुश हैं, कंसेंट से हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर फैमिलीज कंप्लेंट पॉक्सो में क्यों रजिस्टर करा रही है ये कहते हुए कि गलत हो रहा है। ठीक, तो कोर्ट ने कहा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो फेल हो रहा है क्योंकि हमारा मोटिव था ऑफेंसेस को कवर करना, सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी, इन सब से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनको कवर करना हमारा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, बस बाकी फैमिलीज जो है बस केसेस कराई जा रही है। बेंच ऑफ जस्टिस डब्ल्यू डिंगडो ऑब्जर्व दैट एलिज्ड विक्टिम गर्ल इज अ माइनर। ठीक है, जो एलिज्ड विक्टिम गर्ल है वो माइनर है, जो कि 16 साल के आसपास की है, और सो उस रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ था। अब ये कोर्ट जो है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान देती है, अगेन वही बात करी पिछला जो केस रेफर किया गया था,
कि अगर हम एक एडोलेसेंट की, उस एज ग्रुप के एक एडोलेसेंट की फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर, तो ये बहुत ही लॉजिकल होगा कि वो पर्सन केपेबल है ऑफ मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन एज रिगार्ड हिज और हर वेलबींग एज टू द एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स. ठीक है, यहाँ पर वो कॉन्शियस डिसीजन लेने के लिए केपेबल है. क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि उसको समझ में आ रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड. ठीक है, अगर हम मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की डेफिनेशन में उस कैंडिडेट को रख पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम उस कैंडिडेट को इस डेफिनेशन में रख पा रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर माना जाएगा कि वो केपेबल इनफ है अपने डिसीजन लेने के लिए. एंड प्राइमा फेसाई, अब इन सबको समझने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि कोई मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं है, नो मेंस रिया इज इन्वॉल्व, एंड विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑफेंस टू कमिट इन अंडर क्रिमिनल लॉ. This is an important element to get present in criminal law for offense to be get committed. ठीक, तो court ने यहाँ पर कहा कि इन सारी चीज़ों को consider करते हुए हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का mens rea था. And फिर court ने judgment दिया कि जो proceeding है, जो trial court के सामने, इसका कोई मतलब नहीं, it will serve no purpose in peculiar facts and circumstances. आप बेकार में वो case चला रहे हो. On due consideration being given to the submission of the parties, जो prayer of the petition थी allow कर दी, court ने petitioner की जो prayer थी उसको allow कर दिया, and इसीलिए जो said FIR थी and consequent proceedings जो आपकी थी POXO में उसको set aside करके quash कर दिया, exercising its power under 482 CRPC. तो यहाँ पर petitioner को release कर दिया गया and discharge कर दिया गया from any liability as far as the said case is concerned. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, basically देखा जाए जो हुआ क्या, अगर एक हम समरी पे पहुंचते हैं तो क्या है कि कोर्ट भी अगर कोई कानून बना रही है, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है, कोर्ट का काम है इंटरप्रेट करना. कोर्ट हमेशा इंटरप्रिटेशन करती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, हालातों के हिसाब से. कोर्ट को ये देखना है कि आज के दौर में मौका क्या है, आज के दौर में कैसा चल रहा है. अगर हम एक टाइम पे कह रहे थे कि 18 प्लस वाले मेजर है, तो आज की डेट में 16 को अगर हम मेजर के बराबर मानेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि नो डाउट आज के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट इनफ हैं, उनको बहुत आराम से ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की. ठीक है, जो पहले देर से समझते थे, 2-4 साल बाद समझते थे, आज आप उसको माइनस कर दो, आज बहुत जल्दी उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनको जल्दी एक्सपीरियंस हो रहे हैं. उनके पास ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनको कुछ चीज़ें बहुत पहले पता होती हैं, और वो काफ़ी मैच्योर हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देख समझ पा रहे हैं अपने आसपास. ठीक, क्योंकि वो जिस जनरेशन में हैं, उनके मदर और फादर जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो काफ़ी एडवांस में, वो भी काफ़ी चीज़ें बच्चों को बता के चलते हैं, कैसे सोसाइटी में लोगों से डील करना है, क्या करना है, तो ऐसे में उनको काफ़ी समझ में आता है पहले से ही. तो कोर्ट ने कहा अगर कोई मेंटली बच्चा डेवलप इतना नहीं हो पाया है, हम कह रहे हैं अगर मेजर के बराबर डेवलप नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिजिकली डेवलप नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट अगर हमें लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि दैट ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी मच क्लियरली, ठीक है, वो मेंटली पूरी तरीके से डेवलप है ये डिसीजन लेने के लिए, उसको पता है सही क्या है, उसको पता है गलत क्या है, तो इन दैट केस हम उसको हर एक एक्स वाई जेड का बच्चा जो उस एज ग्रुप का है उसके साथ नहीं रख सकते कि भाई वो उसको तो बहला लिया होगा, फुसला लिया होगा. हम हमेशा ये बहलाने फुसलाने वाली टेक्निक को नहीं रख सकते. कोर्ट ने क्लियरली मेंशन यहाँ पर उस चीज़ को करते हुए कहा कि जब वो लड़की ने स्टेटमेंट में खुद एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर कंसेंट से थे, और वो लड़की मेंटली और फिजिकली डेवलप है अपना डिसीजन लेने के लिए, तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. इसीलिए पिटिशनर का यहाँ पर प्रेयर जो थी कोर्ट ने एक्सेप्ट करी, और उसके कहने पर कि एफआईआर को क्वैश कर दीजिए, प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दीजिए, कोर्ट ने वैसा का वैसा कर दिया बेस्ड ऑन द एविडेंस जो प्राइमा फेसाई कोर्ट को समझ में आया. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस. अब आप ऐसे ही जब भी कभी कोई केस पढ़ते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें रिलेटेड जो भी प्रोविजंस मेंशन है आप उसके बारे में जानें कि ये किससे किससे डील करते हैं. इससे रिलेटेड अगर पहले कोई केस आया है तो आपको उसके बारे में पढ़ना जरूरी होता है, जिसको ऑलरेडी मैंने रेफर कर दिया, कोर्ट ने जिन केसेस को रेफर करा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ऐसी ही फर्दर लीगल केस लॉस की स्टडी के लिए हमारा ये चैनल देखते रहिए, मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए. आपको ऐसे नए नए केस लॉस, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द लैंडमार्क केस लॉस के बारे में मैं आपको बताती रहूंगी. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर सेशन हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. Thank you so much.